धमाके के बाद गुस्साए राष्ट्रपति पुतिन कीव समेत दूसरे शहरों में हुए कई धमाके। क्रीमिया पुल धमाके के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से एक्शन में आते दिखाई दे रहे हैं। एक हाई प्रोफाइल बैठक के बाद जिस तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे शहरों में धमाके हुए हैं, उसको देखकर यही कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने दो दिन पहले ही पुल पर हुए जबरदस्त धमाके के बाद यूक्रेन को इसका जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने इसको आतंकी कार्यवाही बताया था और सीधे तौर पर इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था। इस धमाके के बाद पुल का एक हिस्सा गिर गया था। ये पुल रूस और क्रीमिया को जोड़ता है। ये केवल इसलिए ही अहम नहीं था बल्कि रूस के लिए ये एक सप्लाई लाइन भी था। इससे रूस की एंट्री काला सागर में होती थी। इस लिहाज से रूस को इस पुल पर हुए धमाके से एक झटका जरूर लगा है। यूक्रेन में हुए ताजा हमले और रूसी राष्ट्रपति का एक्शन में आना इसलिए भी कहा जा रहा है कि एक दिन पहले ही राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सलाहकार ने इस पुल धमाके को एक शुरुआत बताया था। हालांकि यूक्रेन ने इस बम धमाके की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, बावजूद इसके वहां से आने वाले बयानों में इस धमाके को लेकर खुशी जरूर दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के इन्हीं बयानों ने राष्ट्रपति पुतिन को भड़काने का काम किया है। कीव के मेयर विताली किलिच्को का कहना है कि यूक्रेन की राजधानी के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कई मिसाइल धमाके हुए हैं। उनके मुताबिक सभी एजेंसियां धमाकों वाली जगहों के लिए रवाना कर दी गई हैं। कुछ देर में और जानकारी सामने आ जाएगी। गौरतलब है कि कीव में करीब एक माह के बाद दोबारा मिसाइल हमलों की बात सामने आई है। इससे पहले राजधानी काफी हद तक रूसी हमलों से बची हुई थी। यूक्रेन के पूर्व में ही रूस के हमले हो रहे थे। धमाकों के बाद कीव की इमरजेंसी सर्विस के प्रवक्ता ने कहा कि इन हमलों में कई लोगों की जाने गई हैं और कई घायल भी हुए हैं। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि देश के कई शहरों में रूस के हमले हुए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय के डिप्टी हेड का कहना है कि यूक्रेन मिसाइल हमलों की जद में है। उन्होंने लोगों से तुरंत सुरक्षित जगहों पर या शेल्टर में जाने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।